हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू प्रिंसी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दे रहे होंगे। गाइज प्लीज मेरे व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए और सबसे पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज हिट द बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। गाइज अभी शाम का वक्त हो रहा है और हम निकल दिए हैं और आज है इंडिपेंडेंस डे, तो सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है आज इंडिपेंडेंस डे है और मैं निकल रही हूँ शाम में बाहर। कहाँ जा रही हूँ ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। और आज जो हम जा रहे हैं ये शानवी की फरमाइश पे जा रहे हैं और उसकी जिद पे जा रहे हैं, तो आगे आपको पता चलेगा। फिलहाल आनंद रुके हैं गाड़ी में पेट्रोल या सॉरी डीजल लेने के लिए, तो वो लेके आते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आनंद ले रहे हैं कार में डीजल, और लास्ट व्लॉग में मैंने गलत बोल दिया था, पेट्रोल नहीं, हमारी गाड़ी जो है डीजल वाली है। उसके बाद गाइज हम आगे चल लिए और अभी तक मैंने नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आप व्लॉग में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और यह रास्ते में गाइज बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक आता है। इसको यहाँ पे हमारे एरिया में ही है, ये जहाँ पे हम रहते हैं कुछ दूर पे ही है, तो इसको सुलूर लेक बोलते हैं। तो यहाँ पे लेक के पास से हम क्रॉस कर रहे थे तो इतना खूबसूरत सा नज़ारा था ना। और यहाँ पे देखिए शानवी जो कार में गाने बज रहे हैं ना, वही गाने वो रिपीट करके गा रही है। और इतना अच्छा शाम के वक्त मौसम और लुक, जो व्यू आ रहा था ना, इतना अमेजिंग सा लग रहा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सो गाइस सबसे पहले हम आए हैं कुछ इवनिंग स्नैक वगैरह खाने, तो हम आए हरि भवनम, पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, तो चलिए पहले चलते हैं अंदर। और ये है इनका रेस्टोरेंट। गाइज रेस्टोरेंट में आने के बाद सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हमें क्या खाना है। इस रेस्टोरेंट का नाम हरि भवनम था तो मुझे लगा प्योर वेज होगा, बट नहीं, यहाँ पे नॉन वेज भी सर्व किया जाता है, तो हम अभी नॉन वेज तो नहीं खा रहे। और ये देखिए इनका बाहर से भी इतना सुंदर सा रेस्टोरेंट है ये, और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है वेज नूडल्स, पनीर का वेज हल्का नूडल्स ऑर्डर किया, और यहाँ पे हम आधा से ज़्यादा फिनिश कर चुके हैं, तब मुझे याद आया कि मैंने शूट नहीं किया। यहाँ पे देखिए आनंद तो ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं और शानवी और मैं अभी खा रहे हैं। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं पनीर नूडल्स। सो गाइस नूडल्स काफ़ी बेस्ट थे और मैं पहली बार यहाँ पे आई थी, और ये हाईवे के पास है, और अभी मैंने नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ का देखिए मतलब एम्बियंस बहुत अच्छा था, आप देखिए ग्रीनरी कितना है, मतलब बहुत ही अच्छा प्लेस है और फैमिली के साथ एकदम फाइन डाइन प्लेस है। उसके बाद गाइज हम निकल गए जहाँ पे हम जाने के लिए आए थे, और यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है, वो रेड वाली गाड़ी हमारी है। सो गाइज हम आ गए हैं ब्रॉडवे, मतलब आई मैक्स, हमें आए यहाँ पे मूवी देखने, और आज रिलीज हो रही है 15 अगस्त को स्त्री 2, और मेरी बेटी को उसके गाने इतने ज़्यादा पसंद है, उसने अपने चैनल पर शॉर्ट्स वगैरह डाल रखा है, तो उसको था कि पापा मुझे ये मूवी देखनी है, तो हम आ गए हैं स्त्री 2 मूवी देखने। और ये यहाँ का बहुत ही अच्छा है ब्रॉडवे। सो गाइज आज पार्किंग इतना फुल है कि ये जो ब्रॉडवे के इनर पार्किंग है ये पूरा फुल हो चुका है, तो हम आउटर पार्किंग पे अपनी गाड़ी पार्क कर दिए हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर। फ्रेंड्स ये ब्रॉडवे ना न्यू ही बना है और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको बने हुए, अप्रॉक्स 1 ईयर हो गया होगा। हम इसमें पहले भी एक दो मूवीज़ देख चुके हैं और यहाँ का जो स्क्रीन वगैरह बहुत ही अच्छा है, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे आएंगे। और ये जो ब्रॉडवे है ना, और ये आप जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल है, ये कोयम्बटूर का बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है KMCH, ये उसका पूरा एरिया, और उसके बैक साइड पर ये ब्रॉडवे सिनेमाज बना हुआ है, तो बहुत ही पॉश एरिया है फ्रेंड्स यहाँ पे, और एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही है ये, तो इस वजह से भी ये यहाँ पे देखिए कितने लोग आ रहे हैं। और मूवी फुल हाउसफुल थी, पूरी हाउसफुल मूवी थी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम एंटर कर चुके हैं, और आई थिंक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मूवी होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि मॉल भी होगा, क्योंकि शॉप्स वगैरह नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मूवी का है। और अभी इनका अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, फूड कोर्ट वगैरह ये सब अभी नहीं इनमें स्टार्ट हुआ है, तो आई थिंक फूड कोर्ट वगैरह भी स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं शानवी के फ्रॉक पे लगा रही हूँ इंडिया का फ्लैग, और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि जो थिएटर्स वगैरह हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर हैं, तो हम यहाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं,
और यहाँ पे देखिए शानवी की मस्ती एक्सकलेटर पे, उसको सब जगह मस्ती करनी होती है। और यहाँ ना बहुत ही अच्छा बना रखा है सिर्फ और सिर्फ मूवी के लिए, और आई थिंक इसमें पार्टी हॉल वगैरह भी आएगा। अभी वो सारी चीज़ों की ओपनिंग नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ की ही यहाँ पे ओपनिंग हो रखी है, और फूड कोर्ट वगैरह अभी नहीं है यहाँ पे। रेस्टोरेंट भी आने वाला है नीचे, हमने वो पैम्पलेट्स में देखा था। यहाँ पे गाइज मैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेक में अपना पर्स वगैरह चेक करा रही हूँ, और चेक करा के हम कर रहे हैं यहाँ पे एंटर। और इसका ज़्यादा टाइम नहीं था हमारी मूवी स्टार्ट होने में, फटाफट से हम जा रहे हैं अपने थिएटर रूम में। और ये देखिए यहाँ पे शानवी अंदर जा रही है, और ये बहुत ही अच्छा था फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पे जितनी बार भी हमने मूवी देखी है ना, इसके पहले हम दो बार यहाँ पे मूवी देख चुके हैं। एक हम देखे थे आलिया भट्ट की मूवी आई थी वो, और उससे पहले भी एक मूवी देखे थे। मतलब यहाँ पे हम दो मूवी देखे थे और ये तीसरी मूवी है। बहुत ही अच्छा था फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और यहाँ पे स्क्रीन वगैरह बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट डे, सो गाइज नेक्स्ट डे हो चुका है, और नेक्स्ट डे में भी आफ्टरनून हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आज फ्राइडे है, और शानवी क्या स्कूल की छुट्टी है। मे बी ओके, अब मैं बात कर लूँ, बहुत अच्छा जाइए। सो गाइज नेक्स्ट डे में भी आफ्टरनून हो चुका है, और शानवी का स्कूल बंद है फ्रेंड्स। आई डोंट नो क्यों बंद है आज, बट मे बी शायद कल इंडिपेंडेंस डे था, उस वजह से टीचर्स लोग बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन वगैरह और जो फंक्शन था उसकी वजह से शायद आज एक दिन रेस्ट है, तो इस वजह से आज स्कूल शानवी का बंद है। तो शानवी आज घर पे है, बट उसे प्रैक्टिस शीट्स और होमवर्क्स बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, तो सब चीज़ मुझे कराना है। तो अभी दोपहर का वक्त हो रहा है, और सबसे पहले मैं बना रही थी लंच, और गाइस क्या मूवी है। पहले मैं आपको लंच दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, उसके बाद मूवी के बारे में बात करते हैं। सो गाइज यहाँ पे आनंद के लिए बन रहा है मिलेट्स, और ये आप देख सकते हैं इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल के मिलेट्स बना रही हूँ। और अपने लिए बना रही हूँ मैं आज सब्जी आलू बैंगन टमाटर की, और इसमें बनी है दाल, और चावल अभी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आलू बैंगन टमाटर की सब्जी। सो गाइज लंच जो है बहुत ही सिंपल सा बन रहा है आज, आनंद के लिए मिलेट्स और मेरे लिए दाल चावल सब्जी, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पा रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा, ये देख सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइज ये मेरे मुंह में अंदर टंग पे इधर चीक्स पे अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा ये छाले हो चुके हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ है। और मुझे ना ये हमेशा ही हो जाता है, मतलब ऐसा हाल हो जाता है ना कि मैं खाने में मुश्किल होती है मुझे, बोलने में मुश्किल होती है मुझे। आप इसके पहले वाला अगर मेरा व्लॉग कभी देखोगे, मैंने कल लाइव किया है, उसमें जो मैंने वॉइस ओवर करी है ना, वो थोड़ी मेरी आवाज़ मतलब थोड़ी लड़खड़ा रही है, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अभी भी जब टंग टच हो रहा है बात करने में, तो मुझे वहाँ पे पेन हो रहा है, इस वजह से मैं बहुत कम मैं बोल नहीं पा रही हूँ। कल भी जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस डे के दिन का, मतलब इसी व्लॉग की बात कर रही हूँ, इसी व्लॉग को जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। आप ये देखो, मतलब ये मुझे हमेशा ही हो जाता है, और मैं इससे बहुत 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 ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। तो चलिए बात करते हैं मूवी की। मूवी बहुत अच्छी थी गाइज, बहुत अच्छी थी मूवी, और फुल ऑफ हॉरर और कॉमेडी, मतलब कॉमेडी भी अच्छा भर भर के था और हॉरर तो थी, और इतनी हंसी आई ना। ऐसा नहीं है कि हॉरर मूवी है तो आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, मतलब डरावना था लेकिन साथ के साथ हंसी भी आ रहा था। एक होता ना कि भूतिया जो मूवी होती है, एक होता है ना कि जो भूतिया मूवी होती है ना, सिर्फ भूत 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 भूत, सिर्फ डरावनी चीजें नहीं, इस पर कॉमेडी भी था, बहुत अच्छा था, गाने इसके बहुत अच्छे थे, और लास्ट में जो सस्पेंस था ना, वो तो मतलब कमाल का ही सस्पेंस था। तो मैं अभी व्लॉग में सस्पेंस नहीं खोलूंगी, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज जाइए और मूवी देखिए, काफ़ी अच्छी मूवी है और हमने खूब इंजॉय किया। सॉन्ग्स भी अच्छे अच्छे हैं, बट मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, आधे सॉन्ग्स ना वो कट कर देते, जैसे जितना टीवी पर सॉन्ग्स टेलीकास्ट हो रहा था ना, उतना वो सॉन्ग नहीं दिखा रहे थे, थोड़ा सा कट किया हुआ था सॉन्ग, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, दो घंटे सवा दो घंटे की मूवी है, और आप हंसी, आपको पूरी मूवी एंड तक आपको हंसी हंसते ही रहोगे, आप थोड़ा डरोगे भी हंसोगे भी, तो बहुत अच्छी मूवी है, हॉरर कॉमेडी बहुत अच्छी मूवी है। तो हम मूवी देख के आए, और अब मैं जा रही हूँ, एक तरफ खाना बन रहा है और एक तरफ मैं जा रही हूँ शानवी को होमवर्क भी करवाने, क्योंकि बहुत सारा वर्क मिला है शानवी को, क्योंकि शानवी के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस शाम का वक्त हो रहा है और मैं किचन में हूँ, और मेरे से बोला नहीं जा रहा है, इस वजह से मैं
ज्यादा कुछ नहीं व्लॉग कर पा रही हूँ, आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। तो पहले मैं आपको पीछे का किचन दिखाती हूँ। कैसे इतना तकलीफ दे रहा है ना, और सिर्फ ये नहीं, मुझे इधर साइड दो है, इधर साइड दो है, मतलब पूरे मुंह में है और मुझे इतनी तकलीफ दे रही है ना। मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, मैं पी नहीं पा रही हूँ। अभी चाय बना तो रही हूँ बट उसको ठंडा करके तब पीऊंगी, मतलब बहुत तकलीफ हो रही है फ्रेंड्स। गाइज यहाँ पे किचन पूरा क्लीन कर लिया है। आप यहाँ पे देखो मेरी चाय गर्म हो रही है और यहाँ पे मिल्क भी मैंने बॉइल कर दिया है, तो यहाँ पे किचन भी क्लीन है। सो गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।